तो बॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र फाइनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इस मूवी के लिए पब्लिक काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। भले ही कुछ लोग इस मूवी को देखना चाहते हो और कुछ बॉयकॉट करना चाहते हो, लेकिन एक्साइटेड तो सभी हैं। और लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आखिर ये मूवी होगी कैसी और कैसा परफॉर्म करेगी। इसी के साथ अब सिचुएशन इस हद तक आ चुका है कि अब ये मूवी डिसाइड करेगी कि बॉलीवुड आगे चल के कैसा होगा, यानी कि अब ये मूवी या तो बॉलीवुड को बचा लेगी या थोड़ा सा और डुबा देगी। खैर, ब्रह्मास्त्र मूवी कैसी होगी इसका पता कुछ ही दिनों में चल जाएगा, लेकिन आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर, जिसमें सबसे पहला आता है इसकी स्टोरी लाइन। अब भले मानो या ना मानो, ये मूवी बॉलीवुड के ऊपर काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाली है, और जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल मूवीज बनती है तो उसका VFX या फिर उसकी क्वालिटी डिसाइड नहीं करता कि मूवी कैसी होगी, बल्कि उसकी स्टोरी डिसाइड करती है कि मूवी कैसी होने वाली है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्बाड़ मूवी, क्योंकि आप उस मूवी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस मूवी के पास कोई हाई बजट नहीं था, लेकिन उसकी स्टोरी उस मूवी को बहुत ही खास बनाती है। और ठीक वैसे ही अगर ब्रह्मास्त्र मूवी के पास एक अच्छी खासी स्टोरी प्लॉट रही तो ये मूवी बहुत अच्छी चल जाएगी। लेकिन मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने में जितना बड़ा हाथ मूवी की स्टोरी का होता है, उतना ही बड़ा हाथ डायरेक्टर के विजन का होता है। और इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है। उसने पिछले 10 सालों से इस मूवी पे लगातार काम किया है। और जब एक बंदे ने अपना 10 साल किसी एक मूवी को दिया है तो उसको एक बार ट्राई करने में जाता क्या है, तो कम से कम एक बार अयान मुखर्जी के लिए ये मूवी देखनी तो बनती है। लेकिन मुझे अब सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि ये मूवी अपने रिलीजियस टर्म्स को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि जब जब बॉलीवुड ने इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी चीजें बनाने की कोशिश की है, तब तब बॉलीवुड को बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी गालियां पड़ी हैं। और इसीलिए जब हम किसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज को बनाते हैं तो सबसे बड़ा ध्यान इसी बात का रखते हैं कि कहीं पब्लिक ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ की पब्लिक भी बहुत अजीब है भाई, किसी भी चीज पे ऑफेंड हो जाती है, यहाँ तक कि उनको सीधा सीधा जोक भी समझ में नहीं आता। अगर 4 लोग उस जोक को समझेंगे तो एक बंदा उससे ऑफेंड हो जाएगा। और ऐसे ही पब्लिक के होने के कारण यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मूवीज बहुत ज्यादा सफर करती हैं। और इसीलिए बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स भी एक्सपेरिमेंटल मूवीज में पैसा ना लगा के वहीं घिसी पिटी मूवीज में पैसा लगाते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सीज में आने के बाद ही सही मगर वो मूवीज पैसा तो कमा लेती हैं। तो प्रोड्यूसर्स अपना घाटा क्यों कराए एक्सपेरिमेंटल मूवीज में पैसा लगा के? और इसीलिए ऐसी मूवीज को चांस ही नहीं मिलता और वो 10-10, 15-15 साल सफर करते हैं। और अगर मिलेगा भी तो कोई देखने नहीं जाएगा। हाँ, उसके रिलीज के 6-7 साल बाद भले ही लोग कहेंगे कि भाई बहुत ही अंडररेटेड मूवी थी, लेकिन थिएटर में देखने कोई नहीं। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर। तो ब्रह्मास्त्र मूवी से अपनी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, और तो और ब्रह्मास्त्र मूवी के पास भी वो पोटेंशियल है कि वो अपना एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देते हुए पब्लिक को इम्प्रेस कर सके। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी अपना एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देगी और पब्लिक को पसंद आएगी। लेकिन क्या आप लोग इस मूवी को एक मौका देना चाहोगे, और अगर देना भी चाहोगे तो किस एक्सपेक्टेशन पे देना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ अगर चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। खैर, तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।